में इतना खूबसूरत जगह, बट हमारे यहाँ का जो हालत है ये आप देख पा रहे हो, ये टूरिस्टों का काम है और कुछ नहीं है। ये एक निवेदन है टूरिस्टों से, प्लीज़ खूबसूरत जगह पे खूबसूरत जगह को खूबसूरत रहने दीजिए। इस चीज़ को प्लीज़ लीटर मत कीजिए, कोई घूमने आना है घूमो, ऐसे लीटर गंदगी मत फैलाओ, ऐसे वेस्ट मत कीजिए। ये आप ऐसे सोच के देखो कि आपके घर में कोई आता है आपसे मिलने के लिए और आपके ही घर में थूक के चला जाता है, वो कैसा लगेगा? तो हम लोगों ने आप लोगों को ब्यूटी तो दिखाया, ब्यूटी के साथ ये गंदगी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। तो प्लीज़ जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और शेयर करो, जिससे ये पता चले हम लोग टूरिस्ट है ना, हम ही लोग गंदगी फैलाते हैं। प्लीज हम लोग हम लोग तो नहीं किए, बट ब्यूटी देखने आते हो आके बीस्ट मत बनो। देखो ब्यूटी को, सलाम, थैंक्स करो और चले जाओ। ऐसा चीज आप लोग को कहीं भी उतना जल्दी मिलेगा, गंदगी मत फैलाइए प्लीज। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मत कीजिए। चलो मिलते हैं और भी ज्यादा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चुके हैं दार्जिलिंग और हमारा आज का डेस्टिनेशन होटल यही है। चलिए रिव्यू भी देंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, पहली बार है, जल्दी जल्दी घुसते और काफ़ी ठंडा लग रहा है। और इन लोगों को देखो, थके हुए पीपल, चलो जल्दी अंदर घुसते हैं। चलो 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 चलो। तो ये रहा होटल और होटल का नाम है मार्वल इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जैसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सानवी और सानवी की मम्मी दोनों पूरा ठंड के मारे सिकुड़े पड़े हुए हैं, देखो दोनों को। भाभी आपको कैसा ठंड की महसूस हो रही है? ठंड के साथ नींद भी आ रही है, सिर दर्द कर रहा है। चाय चाय क्या चाय? ऊपर से अभी बातासी आलू। तो ये रहा हमारा रूम, ये देख पा रहे हो, ये रहा वॉशरूम। क्षितिज हटो एक बार, वॉशरूम दिखा दे। ये रहा वॉशरूम, क्लीन है, काफ़ी क्लीन है, मुझे तो अच्छा लगा, साफ सुथरा, ठीक है। चलो इसके बाद ये आता है बेड, काफ़ी बड़ा है, बहुत ही साफ सुथरा है। ये रहा पूरा रूम का, ये रहा हमारे यहाँ का पर्दा, और ये रहा बाहर का नज़ारा जो आप यहाँ से देख पा रहे हो। होटल्स वगैरह है, देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर इस जगह पे, और यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। तो यहाँ से हम लोग वॉक करके मॉल रोड की तरफ निकल पड़े थे शाम को, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत फॉगी फॉगी सा है, और हम लोग घर पे बैठ नहीं पाए क्योंकि होटल रूम में बैठने से हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो उसी हालत में हम लोग उतना टूर ट्रैवल करने के बाद भी हम लोग निकल पड़े मॉल रोड की तरफ। तो चलिए मॉल रोड में मिलते हैं आप लोगों से।
खूबसूरत है और लग रहा है कि कहीं मतलब आउट ऑफ थोड़ा सा आउट ऑफ ये मार्केट की तरह लग रहा है। हाँ ना, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन इसका इसका लुक थोड़ा सा आपका ये भी है जैसे बाहर में फॉरेन कंट्रीज में जैसे होता है वैसा है, वैसा लुक है उसका। क्रिसमस में सजाएगा थोड़ा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मॉल रोड घूमते घूमते इसका नज़ारा जो देखते देखते हम तो इसमें खो ही बैठे थे अपने आप को। तो इतना खूबसूरत जगह शायद ही मुझे दिखा था पहले, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये मॉल रोड। और आप लोग भी देखो, आप लोग को भी कैसा लगता है बताना ज़रूर लिख के। यहाँ पर मॉल रोड में है, मैल रोड बोलते हैं इसको ना, मॉल रोड, मैल क्या, मैल कोई क्या? मैल मॉल जो भी हो, रोड है भाई। हाँ, तो वहाँ पर है। और यहाँ पर हम लोग स्ट्रीट फूड का आज ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड। अरे हम तो दिख ही नहीं रहे, हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं क्योंकि होटल में तो खाना बहुत हुआ। हम कर हटो बस छेले दो। हेलो, सो हम लोग हैं अभी मॉल रोड पे, यहाँ हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। यहाँ स्ट्रीट फूड बहुत जोर से, यहाँ अब चिल्लाएं क्या, ये ब्लॉक कर रहे हैं कि हाँ। तो यहाँ स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा है, वी हैव अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीट फूड है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, यहाँ डोनट भी देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं यहाँ डोनट भी देखा अभी, आई वॉन्ट टू ट्राई डोनट। बहुत कुछ ट्राई करेंगे लेकिन एक एक करके रिव्यू भी शेयर करेंगे अभी, कैसा लग रहा अभी है, तो चाउमीन हम लोग हाँ। जैसे कि अभी स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं, कल फिर दूसरा कुछ ट्राई करेंगे, बहुत ऑप्शन है, खाएंगे ज़रूर। और आप लोग शेयर भी कर रहे हैं क्या क्या मिल रहा है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं फुचका चाउमीन जरूर खाते हैं। यस, मैं फुचका, हम लोग वो भी तो बंगाली है, ठीक है, यहाँ भी आके फुचका चाउमीन के दुकान के आगे ही लगे हैं, दार्जिलिंग पे आके। कुड यू बिलीव इट, दादा दुटो फुचका देबेन आबार ओर साथे पाव देबेन। ये लोग उसके बाद बोल रहे, ये लोग बोल रहे जाके, अरे भाई फुचका खाओगे, मैं फुचका क्यों खाऊँ, फुचका यहाँ आके फुचका खाऊंगा तो कलकत्ता में फुचका खाऊंगा ना, यहाँ क्यों फुचका खाऊंगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग वेज नूडल्स और चिकन नूडल्स दोनों ही बनवा रहे थे और बहुत स्ट्रीट फूड तो बहुत ही यमी दिख रहा था हम लोगों को। और चिकन्स भी जो थे वो रेड चिकन्स थे। और कॉस्ट अगर देखा जाए, हम लोग फुल फैमिली ने खाया, राउंड अबाउट कॉस्ट आपका 1000 रुपीज़ जैसा पड़ा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बताऊँगी, बट फूड वॉज़ गुड एंड प्राइस वॉज़ रिजनेबल। तो यहाँ पर हम लोग क्षितिज के बर्थडे के लिए केक ढूंढ रहे थे और बहुत ढूंढना पड़ा, बट एक लोकलाइट ने हमें बहुत हेल्प किया और हम लोग केक वगैरह जो था वो सब कुछ प्रोक्योर कर पाए, क्योंकि हम लोग उस दिन उस क्षितिज का केक कटिंग करने वाले थे। तो होटल रूम में जाके अब केक कटिंग की सेरेमनी हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट होटल रूम में। हैप्पी बर्थडे टू यू, घूम रहे क्या, Happy birthday to Shiti, happy birthday to you। भैया भाई को सानवी को खिलाओ, सानवी को खिलाओ, सानवी को खिलाओ, एक गाल पे भी लगा देना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को कंटिन्यूएशन ब्लॉग में कल सुबह। टाटा, बाय बाय।